हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद गणपति का कलरिंग का मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो कलर जो करते हैं गणपति को, नॉर्मली पोस्टर कलर या तो जो कोई भी कलर यूज़ करना है उससे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक गणपति के ऊपर जो बेसिक एक कोट देना पड़ता है, बेसिक जैसे प्राइमर हो चाहे डिस्टेंपर हो जो कोई भी हो, एक वाइट कलर का कोट दे के फिर उसको हम लोग दूसरे कलरिंग में, जैसे कलर में अलग अलग कलर में जो भी कलर में हम लोग को कलरिंग करना है वो कलर में हम लोग कलरिंग कर सकते हैं। आइए देखिए कैसे कलरिंग किया जाए। दोस्तों, कलर करने के लिए नॉर्मली पोस्टर कलर या तो गणपति के लिए अलग अलग कलर आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग जब घर पे जब कलर करते हैं तब जो गणपति के लिए खास स्पेशल कलर आते हैं वो ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका क्वांटिटी, उनका जो प्राइस है वो हम लोग को परचेज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या तो हम लोग जैसे हमेशा के लिए नहीं बनाने वाले होते, इसके लिए हम लोग को मालूम नहीं होता कि वो स्पेशली मार्केट में कहाँ पे मिल सके। तो नॉर्मली जो कोई भी कलर कंपनी के जैसे पोस्टर कलर पेपर के ऊपर यूज़ करने वाले जो कलर आते हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो कलरिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करेंगे उसके लिए नॉर्मली ब्रश, वाटर बेस्ड कलर, तो पोस्टर कलर तो वाटर बेस्ड कलर ही होता है। नॉर्मली ब्रश से हम लोग जो पेपर के ऊपर जो कलरिंग करने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं, पेपर ब्रश, पेपर के लिए कलरिंग करने के लिए जो यूज़ करने वाले ब्रश है वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से फ्लैट ब्रश या तो 5 नंबर, जैसे 6 नंबर का जो राउंड ब्रश है, उससे ज़्यादा डिटेल वर्क करना है तो 0 नंबर का जो ब्रश है या तो 1 नंबर का जो ब्रश है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गणपति का जो कलर है वो थोड़ा सा पोस्टर कलर में इसके लिए करना है कि जैसे पोस्टर कलर जो होता है ठीक होता है, वाटर बेस्ड कलर में पोस्टर कलर जो होता है ठीक होता है और वो सही ढंग से उसमें हम लोग जैसे चाहिए वैसे कलर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पोस्टर कलर ओपेक होने के कारण उसके ऊपर जो भी, जैसे पहले कोई लाइट को कलरिंग कर लिए उसके ऊपर और कोई डिज़ाइन के लिए दूसरा कलर यूज़ करना है, डार्क कलर लाइट कलर, तो ओवरलैपिंग कलर सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पोस्टर कलर या तो कोई और वाटर बेस्ड कलर हो तो नॉर्मली वो कलर हम लोग जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इसके पहले एक जैसे गणपति कागज़ के मेज का गणपति कैसे बनाना है वो वीडियो अपलोड किया था, शायद आप लोग ने देखा रहेगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में उसको मैं लिंक दे रहा हूँ, आशा करता हूँ वो भी आप लोग देखेंगे। और प्लीज़ मेरा जो चैनल है सब्सक्राइब करिए। मेरा जो चैनल का नाम है फाइन आर्ट्स बाय गोविंद एमके है, इसमें आर्ट से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो है मैं डालते रहूँगा। और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस करिए। और आशा करता हूँ आप लोग को मेरे सब वीडियो पसंद आएंगे और उसको आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।